नमस्कार, स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। दो पत्नियों से तंग पति ने जिंदा जलाकर किया मर्डर, हादसे का दिया रूप, पुलिस ने दबोचा। वन क्षेत्र में सर्दी में शिकारियों की घुसपैठ की बड़ी आशंका, अब आरएसी का जाप्ता होगा तैनात, संवेदनशील नाकों का किया दौरा। आरक्षण का जिन फिर हुआ जिंदा, गुर्जरों ने निकाली महा आक्रोश रैली, सीएम पर वादा खिलाफी के लगाए आरोप। और कांग्रेस नेताओं ने वसुंधरा सरकार को कोसा, बूथ लेवल का किया सम्मेलन, रैणी पहुंचे सचिन पायलट। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के जालौर जिले में जब एक पति अपनी दो पत्नियों द्वारा गृह कलेश से परेशान हो गया तो उसने खतरनाक कदम उठाया। इस पति ने दोनों महिलाओं को जिंदा जला दिया। इसके बाद कहानी गड़ी की चलती कार में आग लगने से इनकी मौत हो गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जालौर के सेसावा गांव में यह घटनाक्रम सामने आया था। यहां कार में आग लग गई थी और उसमें एक पुरुष को ग्रामीणों ने कार का शीशा तोड़कर निकाल लिया था, लेकिन दोनों महिलाओं को समय रहते नहीं निकाला जा सका और वे जिंदा जल गई। मृतकों में कार में सवार सेसावा गांव के दीपाराम प्रजापत की पत्नी मालू और दरिया शामिल थी। दीपाराम का कहना था कि रास्ते में अचानक कार बंद होने पर वह देखने के लिए नीचे उतरा। इस दौरान अचानक कार में आग लग गई। आग लगने के दौरान उसने गेट खोलकर दोनों पत्नियों को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन गेट पावर लॉक हो गए। कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने टैंकर से पानी छिड़क कर आग बुझाई, लेकिन तब तक दोनों महिलाओं की मौत हो चुकी थी। लेकिन दीपाराम ने जो कुछ बताया उस पर पुलिस को यकीन नहीं हुआ। पुलिस को एक चश्मदीद महिला ने बताया कि कार से निकलकर एक महिला खेतों की ओर भागी थी, उसके बाद पति उसे जबरन वापस लाया और कार में बैठाया। चश्मदीद के अनुसार कार में बैठी दोनों महिलाएं उन्हें पेट्रोल छिड़क कर मारने की आशंका जता रही थी। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दीपाराम ने वारदात कबूल कर ली। सेसावा निवासी आरोपी मकान निर्माण का काम करता है। उसने पहली पत्नी मालू के मंद बुद्धि होने के कारण दूसरी शादी भी की थी। पुलिस को आरोपी ने बताया कि वह रोज रोज के ग्रह क्लेश से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए हैवान बने दीपाराम ने दोनों पत्नियों की हत्या कर दी। बुधवार को इन महिलाओं के शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। सरिस्का बाग परियोजना में सर्दी के इन दिनों में शिकारियों द्वारा घुसपैठ का अंदेशा बढ़ गया है। इसके चलते अब आरएसी के जवान अधिक संख्या में यहां निगरानी का जिम्मा संभालेंगे। सरिस्का प्रोजेक्ट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यहां शिकार की वजह से एक बार तो बाघ लुप्त हो चुके हैं। इसके बाद रणथंभौर से पुनर्वास कर बाघों को यहां लाया गया था। सर्दी के मौसम और कोहरे का लाभ उठाकर इन दिनों शिकार की अधिक आशंका रहती है। बाघों सहित शेष वन्य जीवों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आरएसी के जवानों की मदद ली जा रही है। आज सरिस्का रेंज में आरएसी जवानों को संवेदनशील नाकों वाला क्षेत्र दिखाया गया। इनमें करना का पास की झील, क्रासका का जंगल और अन्य स्थान शामिल थे। सरिस्का बाग परियोजना का वर्ष 2005 में 881 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था और इस दौरान यहां 75 बीट बनी हुई थी। अब इस परियोजना में कुल 1231 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और 102 बीट हैं। इसके बाद भी सरिस्का में वन कर्मचारियों की कमी होने के चलते आरएसी के जवानों को लगाया गया है। रेंजर गजनफर अली जैदी के अनुसार उद्देश्य है कि शिकारियों की घुसपैठ और अवैध रूप से हो रही वन चराई पर रोक लगाई जा सके। आरएसी की जो प्लाटून है उसमें आज गश्त का प्रोग्राम रखा है सरिस्का रेंज का, जिसमें कि थाना गाजी, कुशालगढ़ और ये कालीघाटी, इन तीन नाकों के गश्त का कार्यक्रम रखा है। एक्चुअल में 1200 वर्ग किलोमीटर का जो सरिस्का टाइगर रिजर्व का एरिया है उसमें कई तरह की समस्याएं हैं, जिसमें अवैध कटान है, शिकार है, एनक्रोचमेंट है, और चूँकि पूरा एरिया खुला हुआ है तो शिकारियों का भी इसमें आने का रहता है। तो उन लोगों को रोकने के लिए आरएसी बटालियन को लेके और स्टाफ को इस पूरे रिज़र्व का प्रोटेक्शन किया जा रहा है, जिसमें कि दिन रात इनको लेके गश्त की जा रही है, ताकि जो बाघ है, बाघ के अलावा जो भी वन्य जीव हैं, वनस्पति है, उस सबको बचाया जा सके और उनका
संरक्षण किया जा सके। गुर्जरों ने आरक्षण के मुद्दे पर फिर से तीखे तेवर अपनाना शुरू कर दिया है। अलवर युवक गुर्जर समाज की ओर से बुधवार को गुर्जर आरक्षण सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर महा आक्रोश रैली निकाली गई। गुर्जरों द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम राकेश गढ़वाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं घोड़ाफेर चौराहे स्थित गुर्जर हॉस्टल में एक आम सभा भी की गई। इसमें युवाओं ने गुर्जर आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर अपने विचार रखे। इसके बाद रैली निकाली गई जो घोड़ाफेर चौराहा और अशोका टाकिज होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। यहां मौजूद बलवीर सिंह ने आरोप लगाया कि वसुंधरा सरकार के संकल्प पत्र के अनुसार उनकी अभी तक कोई मांगे नहीं मानी गई। 9 सूत्रीय मांगों में सरकार द्वारा संवैधानिक तरीके से 5% आरक्षण दिलवाने की मांग मुख्य है। इसके अलावा लाल सोट हत्याकांड की सीबीआई जांच, गुर्जर आंदोलन में दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने आदि मुद्दे भी शामिल हैं। गुर्जर आरक्षण महाक्रोश रैली गुर्जर छात्रावास से लेकर कलेक्ट्रेट तक जो निकाली गई है, इसमें गुर्जर के युवाओं की एक मांग है कि जो भर्ती प्रक्रिया अभी इसी समय चल रही है, इसमें आरक्षण दिया जाए। अगर अन्यथा ये भर्तियों को रोका जाए। अगर वसुंधरा सरकार ने गुर्जर समाज को आरक्षण नहीं दिया गया तो इसका खामियाजा इनको तीनों उपचुनावों में भुगतना पड़ेगा। और रही विधानसभा चुनाव से पहले की बात ये कर रही है, सरकार देने का आश्वासन देती है, गुर्जर समाज को लॉलीपॉप देती है। अब लॉलीपॉप नहीं चलेगा, क्योंकि गुर्जर समाज का युवा आक्रोशित है, गुर्जर समाज का युवा अब सड़कों पर उतरने वाला है। आज हमारे सब युवा साथियों ने मिलकर ये आरक्षण आक्रोश रैली का आयोजन किया है। उसके बाद हम सभी ने भारी बड़ी तादाद में आकर यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और हमने हमारा ये विरोध दर्ज कराया। और उसके साथ हमारी 9 सूत्रीय मांगें, जिनमें प्रमुखता देवनारायण बोर्ड का गठन, लाल सोट कांड की सीबीआई जांच, जीडी कॉलेज हॉस्टल तुरंत चालू करवाने और जो भी हमारे कोई मुकदमे हैं वो वापिस करवाने, आंदोलन दर्ज हुए हैं। गुजरात चुनाव में पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस ने राजस्थान के उपचुनाव पर नजर टिका दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट उन इलाकों में सघन दौरे कर रहे हैं जहां उपचुनाव होने वाले हैं। इसी कड़ी में अलवर जिले के रैणी में कांग्रेस का मेरा बूथ मेरा गौरव सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाने की बात कही गई। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने वसुंधरा सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। वहीं किसानों की समस्याओं की अनदेखी सहित अन्य आरोप लगाए। 4 साल टांग पे टांग रख के राज किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, हर चीज में घोटाला किया है, चाहे बजरी में हो, चाहे खान में हो, चाहे पीडब्ल्यूडी में हो, चाहे सड़क में हो, सब चीजों में सिर्फ पैसे कमाने का काम सरकार ने किया है और लोगों का शोषण हुआ है। सबसे बड़ा अन्याय जो इस प्रदेश की जनता के साथ किया है, जो गरीब है, जो दबा कुचला है, जो किसान है, जो आदिवासी है, जो दलित है, उस पर जो अत्याचार हुए उनको रोकने में सरकार नाकाम रही है, विवाद पैदा किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं वसुंधरा जी से, आज 4 साल आपकी सरकार को हो गए, ये मीना मीना का विवाद पैदा किसने किया? इसका समाधान करने के लिए आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी? लोग सड़कों पर आए, आंदोलन किया, जवान बच्चों के रोजगार को मिलने मुश्किल हो गई थी, जीवन खराब हो रहा था, किसी को कोई चिंता नहीं है। उधर कार्यक्रम में एआईसीसी महासचिव और राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने भी विचार रखे। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया है, इसे देखते हुए कर्मठ कार्यकर्ता एकजुट होकर इसमें सहायता करें। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर आपको आज के जो विशेष कार्यक्रम है मेरा बूथ मेरा गौरव, मैं तो ये कहना चाहूंगा के साथियों को कि आप कांग्रेस का गौरव और मेरा बूथ मेरा गौरव ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा दिया गया ये वो कार्यक्रम है जिसके माध्यम से वो इस चीज को हर बूथ में जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ते का गौरव उस बूथ की जीत के साथ में जोड़ना चाहते हैं। वहीं आईसीसी सचिव और अलवर प्रभारी देवेंद्र यादव और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर लाल डूडी ने बूथ स्तर तक कांग्रेस को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने उपचुनाव के मद्देनजर भी तैयार रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम का महत्व, इस प्रोग्राम का तात्पर्य उद्देश्य
आज आपको बुलाने का क्या है? इसका नाम रखा मेरा बूथ मेरा गौरव। आज बूथ के एक एक बूथ के जो है पूरे विधानसभा के पूरे कर्मस्थ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो आप आए हो तो हमारा ध्येय और लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारा बूथ किस तरीके से मजबूत हो, हमारे बूथ में कांग्रेस किस तरीके से जीते। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, डॉक्टर करण सिंह यादव, टीकाराम जूली और पूर्व विधायक जौहरी लाल मीणा ने भी विचार रखे। पायलट साहब और पांडे साहब को सुनना है, मैं तो खुद आपके उपकार को जिंदगी भर कभी नहीं उतार पाऊंगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने खैरतल में जवाहर नवोदय विद्यालय के उप प्राचार्य को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उप प्राचार्य ने यह राशि स्कूल कैंटीन के भुगतान के बिल पास करने की एवज में मांगी थी। बुधवार को उप प्राचार्य बीडी वर्मा को अदालत में पेश किया गया, जहां से उनको 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। एसीबी के सीआई महेंद्र मीणा ने बताया कि परिवादी खैरतल निवासी जसवंत ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अनुसार जसवंत के पुत्र वेद प्रकाश के नाम से नवोदय विद्यालय में कैंटीन का ठेका है। इसके अक्टूबर और नवम्बर माह के बिलों के भुगतान के बदले उप प्राचार्य ने 6,000 रुपए मांगे थे। एसीबी टीम ने मामले का सत्यापन कराते हुए जाल बिछाया और उप प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया। परिवादी श्री जसवंत कुमार ने एसीबी कार्यालय उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई कि नवोदय जवाहर नवोदय स्कूल कैरतल में मेरी कैंटीन टेंडर पे मेरा जो बेटा है प्रकाश के नाम से है, जिसके बिल को पास करने की एवज में वहाँ के वाइस प्रिंसिपल जिनके पास इसका चार्ज है श्री वासुदेव वर्मा, जब मैं उसके पास गया तो उन्होंने उसको पास करने की एवज में 6,000 रुपये की डिमांड की, जिसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के सही पाए जाने पर ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। दौरान ट्रैप कार्रवाई रिश्वत की राशि श्री वासुदेव वर्मा से बरामद हुई। बात कार्रवाई बसदेव वर्मा को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में आज पेश किया गया। अलवर सदर थाना पुलिस ने भूगोर तिराहे के पास 7,00,000 रुपए के बियर से भरे कंटेनर लूटने के 2 आरोपी पकड़े हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 भाइयों ओम प्रकाश जाटव और रोशन लाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से बियर की 1150 पेटियां बरामद की हैं। यह दोनों शातिर मुर्गी दाना की फैक्ट्री चलाते हैं, जिसमें इन्हें घाटा हो गया था। आर्थिक तंगी के चलते इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सदर थाना अधिकारी अजय यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले भूगोर तिराहे के पास बदमाशों ने बियर से भरे कंटेनर को लूट लिया था। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया था, लेकिन इसमें भरी बियर के साथ यह बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर छानबीन की और इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई बियर की पेटियां भी मिल गई हैं। मामले में अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये दिनांक 14-12 को हमको सूचना मिली थी कंट्रोल से कि कोई बियर से भरा हुआ ट्रक जो MIA फैक्ट्री से लेके आए थे और उसको भूगोर बाईपास के पास 3 जनों ने हाईजैक कर लिया। ड्राइवर को पिनान के पास में डाल दिया बाद में और बियर के ट्रक को ले लिया। तो खाली ट्रक तो हमने उसी दिन रेणी इलाके से बसुआ और रेणी के बॉर्डर पर वहाँ से पकड़ लिया था। उसके बाद में जो टीम बनाई गई SP साहब की तरफ से, वो पवन चौके SHO MIA और कासम हेड कॉन्स्टेबल और उसकी स्पेशल टीम, हमने मिलकर जो है टेक्निकल सिस्टम से GPS से और कॉल डिटेल से और मुखबिरी तंत्र से मालूम किया। तो मलावली गांव में 2 भाई हैं, एक फौजी ओम प्रकाश और उसका भाई रोशन। उन्होंने पता चला कि कोई पैसों के लालच में उतारू खरीदी और अपने गोदाम में रखी हुई, जाके उनको दोनों को अरेस्ट कर दिया और ये सारी हम बरामद कर लिया। उब्रैन पंचायत समिति के ग्राम पंचायत तुलेड़ा में राशन डीलरों द्वारा रिकॉर्ड में हेराफेरी के आरोप लगे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि इस तरह से उनका राशन हड़पा जा रहा है। इस मुद्दे पर आज अलवर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। तुलेड़ा सरपंच जमशेद खान के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
इससे पूर्व इन लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जिला रसद अधिकारी, राशन डीलरों और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए, साथ ही प्रदर्शन भी किया। तुलेड़ सरपंच ने बताया कि दो स्थानीय राशन डीलरों द्वारा रिकॉर्ड में हेरा फेरी की जा रही है। राशन नहीं मिलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि जिला रसद अधिकारी और दोनों राशन डीलरों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाए, ऐसा नहीं हुआ तो जिला कलेक्टर पर धरना दिया जाएगा। हम गाँव वालों की समस्या लेके, सारे गाँव वाले हैं, इनकी समस्या ये है कि भाई गाँव वालों का जो राशन डीलर ने पूरा राशन अंगूठा लगवा के पूरा राशन ले लिया, एक्स्ट्रा अंगूठा लगवा लिया इनसे, इनको आज तक राशन नहीं दिया। आज ये राशन मांगने गए तो इनसे कह दिया भैया आप नहीं देंगे राशन किसी भी कंडीशन में, गया मेरे को मना कर दिया, अक्षरपंच साहब नहीं करेंगे। तो ये हम ये तो मंथली देते हैं इसको डीओसो को, ये डीओसो क्यों सुनेगा? डीओसो से मैं पहले भी शिकायत कर चुका इस चीज के लिए। अलवर के जीडी कॉलेज में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित सेमिनार आज संपन्न हो गई। इस मौके पर गाड़िया लोहार और मेवों के इतिहास की झलक दिखाई दी। दो दिवसीय सेमिनार के दूसरे दिन गाड़िया लोहारों के इतिहास पर अनेक स्लाइड प्रदर्शित की गई। इस मौके पर बतौर अतिथि जीवन सिंह मानवी और हरिशंकर गोयल मौजूद रहे। संयोजक डॉक्टर धर्मचंद चौबे ने बताया कि अलवर जिले के ऐतिहासिक स्थलों पर ऑडियो वीडियो फिल्म भी दिखाई गई। गड़ैया लोहार और मेवा मेवों के उद्भव पर ये सेमिनार 19 और 20 तारीख को हो रहा है। इस सेमिनार में कल गड़ैया लोहारों के बारे में जानकारी दी गई और उसमें मैंने पांच वक्ताओं बोले, उसमें हमने ये कहा कि गड़ैया लोहारों का जो परिवर्तन आप हुआ है वो आज के समाज की स्थिति है और उसमें और ज़्यादा पुराने और नई स्थितियों को मिला करके चलने की ज़रूरत है। आज मेवात के संबंध में है, मेवात के संबंध में अपने मेवात पर एक पुस्तक जो है वो अजीज अहमद ने लिखी है, साथ में मेवात और उसकी सभ्यता और संस्कृति पर फूलचंद सहारिया और मुंशीलाल ने लिखी है, साथ में मेवात के संबंध में हमने गति में बहुत सारी चीज़ों को दिया। मेवात के साहित्य संस्कृति समाज के ऊपर राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इसमें अभी तकनीकी सत्र चल रहा है, इसमें प्रमुख विषय विशेषज्ञों ने अपनी बात रख दी है और आज पहला जो इसमें जो कार्यक्रम था आज गाड़िया लोहारों पर हमने एक वीडियो ऑडियो वीडियो एक डिस्प्ले किया, इसमें मंजू शर्मा मैम ने दिखाया कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप के वंशज या मेवाड़ के ये राजपूत आज दर दर भटक रहे हैं और जीवन जीने को जीवन में इनके काफ़ी संघर्ष है और काफ़ी गरीब स्थिति में विपन्न स्थिति में जीने को मजबूर है। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में कई दिनों से डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज और उनके परिजन कठिनाइयों में हैं। दो दिनों से यहां आर्मी के डॉक्टर कमान संभाल रहे हैं। जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार मिलिट्री के डॉक्टरों से मदद मांगी गई थी। सामान्य चिकित्सालय में ओपीडी को फिलहाल सेना के डॉक्टर देख रहे हैं। यहां मोबाइल मेडिकल यूनिट के भी दो डॉक्टर लगाए गए हैं। वहीं जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप के लिए आए हुए तीन डॉक्टरों ने भी मरीजों को देखा। इसके बाद भी अनेक मरीज निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने को मजबूर हैं। वहीं जो डॉक्टर पीएल पर चल रहे हैं प्रशासन द्वारा उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। सामान्य चिकित्सालय में जैसा कि कल 85 डॉक्टरों की हमने सूचना 95 डॉक्टरों की सूचना भेजी थी, उसमें से 84 डॉक्टर उपस्थित थे, 7 डॉक्टर मेडिकल पे थे, 2 पीएल पे हैं और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमारे पास 8 आयुष के चिकित्सक हैं जिनको हमने तीनों चिकित्सालय में चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए लगाया है। मिलिट्री समेत 4 डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं कल से देना शुरू की है। उधर जायसवाल युवा सभा की ओर से मिलिट्री डॉक्टरों को गुलाब का फूल देकर उनके कार्य की प्रशंसा की। अलवर के युवा संगठन अलवर द्वारा आज अलवर शहर की एक डॉक्टरों द्वारा जो इतनी गंभीर समस्या पैदा कर दी गई है डॉक्टरों द्वारा जिससे आमजन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, उस समस्या को लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो आर्मी डॉक्टर्स को यहाँ पर उपस्थिति कराई गई है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देने आए थे आर्मी डॉक्टर्सों का कि उन्होंने इस ऐसी सिचुएशन में अपनी जिम्मेदारी संभाली और आमजन का ध्यान रखा। मैं कड़े शब्दों में डॉक्टर्स, यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स और यहाँ के डॉक्टर्सों का कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि ऐसे दुख भरे समय में उन्होंने
मरीजों को छोड़ दिया और अपनी मांग करने का अधिकार है, करिए आप, लेकिन उसका दूसरे तरीके। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने सेवारत डॉक्टर्स को तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया है, वहीं सरकार को उनकी गिरफ्तारी नहीं करने को कहा गया है। उधर सरकार की ओर से भी डॉक्टरों को आश्वस्त किया गया है कि यदि वे काम पर लौट आते हैं तो गिरफ्तारियां नहीं की जाएगी। वहीं रेजिडेंट डॉक्टरों के फेडरेशन ने मांगे नहीं माने जाने तक देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। उदयपुर जिले के भिंडर में एक नाबालिग किशोरी को समुदाय विशेष के लड़कों द्वारा बहला फुसलाकर भगाने का मामला सामने आया है। इसके विरोध में कस्बे के बाजार बंद रहे, वहीं सैकड़ों युवाओं ने रैली निकालकर नारेबाजी की। बंद को देखते हुए यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ करके आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कस्बे में एक नाबालिग युवती को समुदाय विशेष का लड़का अपने साथ भगा ले गया था। उनके परिजनों को सूचना मिलने पर उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने SC/ST अत्याचार निवारण सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर बंद के आह्वान के चलते कस्बे में सुबह से ही एक भी प्रतिष्ठान नहीं खुला। हालांकि शिक्षण संस्थाओं को बंद से अलग रखा गया था। वहीं सूरजपोल चौराहे से सैकड़ों युवा रैली के रूप में झंडे लहराते हुए निकले। यह युवक प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस सूरजपोल पहुंचे। यहां हुई सभा को विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में आज प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने दोनों राज्यों में हुए चुनाव में जीत का जिक्र किया। इस दौरान वे कई बार भावुक हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को संबोधित करते हुए अपने पुराने दिनों को याद किया। गुजरात और हिमाचल की जीत पर उन्होंने कहा कि गुजरात में बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन पार्टी मजबूती के साथ टिकी रही। मोदी ने कहा कि चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने अपने भाषण में सभी को साथ रहने का संदेश दिया और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने संसदीय दल की बैठक के बाद पीएम मोदी के संबोधन पर रोशनी डाली। उधर बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि चुनाव में 50% से भी अधिक वोट पाना बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस इस हार में भी जीत ढूंढने की कोशिश कर रही है, जो हास्यास्पद है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने पीएम मोदी और अमित शाह के अभिनंदन के साथ बैठक की शुरुआत की। गुजरात और हिमाचल की जीत के बाद हुई इस पहली संसदीय बैठक में अमित शाह ने लड्डू खिलाकर प्रधानमंत्री को बधाई दी। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और रविशंकर प्रसाद समेत पार्टी के सभी सांसद मौजूद रहे। बिहार के लखीसराय जिले के मसूदन रेलवे स्टेशन पर नक्सलियों ने धावा बोलकर सिग्नल पैनल फूंक दिया। नक्सलियों ने वहां मौजूद असिस्टेंट स्टेशन मास्टर मुकेश कुमार और पोर्टर नरेंद्र मंडल को किडनैप भी कर लिया है। घटना के बाद इस रेल खंड पर कुछ देर के लिए रेल परिचालन रोक दिया गया। अगवा किए गए कर्मचारी मुकेश ने मालदा DRM को फोन कर बताया कि नक्सलियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। नक्सलियों का कहना है कि अगर मसूदन रूट पर ट्रेनों की आवाजाही जारी रही तो वो उनकी हत्या कर देंगे। नक्सली हमले की खबर मिलते ही पूरा अमला मौके पर पहुंच गया। किडनैप रेल कर्मचारियों को रिहा कराने की कोशिश जारी है। पुलिस के अनुसार हथियारबंद नक्सलियों ने मंगलवार देर रात स्टेशन पर धावा बोल दिया और वहां सिग्नल पैनल में आग लगा दी। इससे रेलवे टेलीफोन व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। घटना के बाद भागलपुर क्यूल रेल खंड पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। हालांकि बाद में सिग्नलिंग पैनल को ठीक करा लिया गया और ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि खुफिया तंत्रों ने इस तरह के हमले की पहले ही आशंका जता दी थी। दो पत्नियों से तंग पति ने जिंदा जलाकर किया मर्डर, हादसे का दिया रूप पुलिस ने दबोचा। वन क्षेत्र में सर्दी में शिकारियों की घुसपैठ की बड़ी आशंका, अब RAC का जाप्ता होगा तैनात, संवेदनशील नाकों का किया दौरा। आरक्षण का जिन फिर हुआ जिंदा, गुर्जरों ने निकाली महा आक्रोश रैली, CM पर वादा खिलाफी के लगाए आरोप। और कांग्रेस नेताओं ने वसुंधरा सरकार को कोसा, बूथ लेवल का किया सम्मेलन, रैणी पहुंचे सचिन पायलट।